राजू श्रीवास्तव ने करीब 42 दिन से अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कॉमेडियन किंग को दिल का दौरा पड़ने के बाद 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जिस समय दिल का दौरा पड़ा था उस समय वो ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे थे और उन्हें अचानक से सीने में दर्द हुआ। राजू के जिम ट्रेनर ने जल्द ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था। डॉक्टर की तरफ से राजू श्रीवास्तव के निधन की वजह ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचना मल्टीपल ऑर्गेन फेलियर बताई जा रही थी। मल्टीपल ऑर्गेन फेलियर यानी जब शरीर के 2 से ज्यादा अंग काम करना बंद कर जाते हैं। इसे मल्टीपल ऑर्गेन डिसफंक्शन सिंड्रोम भी कहते हैं, जो अधिकतर मामलों में जानलेवा साबित होता है और राजू श्रीवास्तव केस में भी यही हुआ है। सवाल ये है कि क्या एक्सरसाइज करने से भी दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है? डॉक्टरों के अनुसार ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करना दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोग जिन्हें दिल से जुड़े रोग विरासत में मिले हैं उन्हें इसका ज्यादा खतरा हो सकता है। राजू श्रीवास्तव की बीते 10 सालों में कुल 3 बार एंजियोप्लास्टिक की गई थी। एंजियोप्लास्टिक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स को खोला जाता है। सबसे पहली बार करीब 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में राजू की दिल की समस्या के चलते एंजियोप्लास्टिक की गई थी। इसके बाद करीब 7 साल पहले मुंबई के ही लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था और वहाँ भी उनकी एंजियोप्लास्टिक करवाई गई थी। इसके बाद उनकी सेहत ठीक थी। जब 7 साल बाद एक बार फिर उनकी एंजियोप्लास्टी हुई तब कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव को बचाना असंभव साबित हुआ।